लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आज भोर ने सूर्योदय का इंतजार किया और इंद्रदेव ने भरपूर सताया, किंतु देशभक्तों के हौसलों के आगे मौसम ने अपनी रहनुमाई दिखा ही दी। इसके बाद ही जिंदल स्टील के चेयरमैन का ध्वजारोहण का अवसर मिल पाया। वैसे तो सूर्योदय के साथ ही तिरंगा का फहराया जाना प्रारंभ हो चुका था। लगभग एक घंटे के इंतजार के बाद भी बारिश की खूब जोरदार तेजी बेमौसम भी देखने को मिल गई। इस बारिश के चलते स्थान भी बदलना पड़ गया, लेकिन देश के प्रति भक्त और लगन, देशभक्तों की ललक के साथ इस 70वें गणतंत्र दिवस का उत्सव प्रारंभ हो गया। जिंदल स्टील के चेयरमैन नवीन जिंदल ने आज यहां मंदिर हसौद स्थित कार्यालय में सुबह ध्वजारोहण किया एवं सभी जिंदल के अधिकारियों व कर्मियों को 70वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने अपने उद्धोन में एक ऐसे देश के निर्माण को आवश्यक बताया जिसमें कोई दुखी न हो, हमारा देश एक समृद्ध देश रहे। यहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को भी याद किया। अत्यधिक उत्साह उत्सुकता के साथ उपस्थित जिंदल कर्मियों की अपने चेयरमैन के साथ इस त्योहार को मनाने की दिल्ली इच्छा रायपुर इकाई के कर्मियों की आज पूर्ण होने को, उन्होंने अपनी इच्छा की पूर्ति में पूर्णता का एहसास था। कार्यक्रम के समापन के बाद उपस्थित जनों में मिष्ठान वितरण किया गया। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।